भूतपूर्व सैनिक आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को भूतपूर्व सैनिकों ने भूतपूर्व सैनिक आरक्षण में हुई विसंगति के संबंध में शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भूतपूर्व सैनिकों की मांग है कि 24 नवंबर 2022 को राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अब वर्गवार दिया जाएगा, जो भूतपूर्व सैनिकों के हितों के खिलाफ है तथा राज्य सरकार के राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988, राज्य सरकार के 17 अप्रैल के परिपत्र के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों के राज्य की सेवा में उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को वर्गवार में बांटकर अलग अलग से कुछ पदों में से भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में 5%, मंत्रालय तथा अधीनस्थ सेवा में 12.5% तथा चतुर्थ श्रेणी में 15% आरक्षण का प्रावधान पूर्व की तरह भूतपूर्व सैनिक वर्ग में किया जाए। साथ ही राजस्थान में होने वाली भर्तियों में मिनिमम अंकों की बाध्यता को समाप्त किया जाए। हमने भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है, जो हमें बांटा गया है जातिगत, उसका विरोध करते हुए हमें कुल वैकेंसियों में टोटल हमारा आरक्षण चाहिए 12.5%। सैनिक की कोई जाति नहीं होती, सैनिक की एक ही जाति है सैनिक, उसको आप जातिवत बांट कर सैनिक का अपमान कर रहे हो। सैनिक का सम्मान करो, जो हमें हमारा हक है वो हमें दीजिए। हमने ये मांग करी है राज्य सरकार से। क्या नाम है? मैं एक्स हवलदार अमित चौधरी।